हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरिका मिश्रा, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। आज मैं कुछ बोलने से पहले आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगी। आप जो मेरे वीडियो देखते हो तो शुरू से लेके एंड तक देखिए, और उधर एक लाइक बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो देखते हो और लाइक देते हो। हाँ, आज का टॉपिक है जे बिफोर एडॉप्टिंग ए डॉग थिंक ट्वाइस एंड प्लान अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैं जब आई, जब मैं प्रॉब्लम फेस किया, और मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी यूएसए आएगा इंडिया से तो ये जो प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, मेरा उद्देश्य यही है। तो हम लोग जब कुत्ता एडॉप्ट करेंगे उससे पहले कुछ रिसर्च कर देना चाहिए, और उसका एक्सपेंसेस के बारे में भी हम लोग को सोच देना चाहिए। तो मैं आज कुछ उसको डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में, एक रिसर्च और एक एक्सपेंसेस। तो हम लोग भी जब डॉग एडॉप्ट किए थे तो उसके बारे में हम लोग रिसर्च किए जे कहाँ से डॉग लेंगे, क्योंकि डॉग लेने के लिए आपको दो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एक कि बाहर ओपन मार्केट से लोगे, या ह्यूमन सोसाइटी होता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप एडॉप्ट कर सकते हो। एडॉप्शन तो एक अच्छा नोबल कॉज है, तो हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग एडॉप्ट ही करेंगे। तो इसके लिए हम लोग रिसर्च किए, ऑनलाइन में बहुत सारा प्लेस को देखा, और एक अच्छे प्लेस को मिलने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन किया। तो उन लोगों ने हमको कांटेक्ट किया और बोले कि आप इस दिन में आओगे और एडॉप्ट कर सकते हो, कि देख सकते हो, आपका पसंद में आएगा डॉग तो ले सकते हो। तो हम लोग एक दिन गए उसी डेट के हिसाब से। उधर जाने के बाद मैं तो पहली बार, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि डॉग एक एडॉप्शन सेंटर इतना अच्छा सुंदर होता है। वहाँ देखा कि 15 से 20 कमरे हैं, डॉग रह रहे हैं, सुंदर सा पूरा छोटा छोटा कमरा, उसके अंदर एक दो डॉग रहते हैं। ऐसे करके 15-20 कमरे हैं, और पहले आप जब जाओगे पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप चॉइस करोगे और सब डॉग का विजिट करने के बाद आपको जो ब्रीड हो, जो डॉग पसंद आएगा, उसका नाम उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है। उसका पसंद होने के बाद आप क्या करोगे कि ऑनलाइन में लिखने के बाद आप क्यू में रहोगे, आपका जब लाइन आपका जब टाइम आएगा वो बुलाएंगे, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आपको लेके जाएगी उस रूम में, आपको डॉग को दिखाएगी और उसका हिस्ट्री बोलेगी। हम लोग भी ऐसे गए, और डॉग का नाम था क्यूनी, और जर्मन शेफर्ड थी। तो उसको हम लोग देखे, उसके बारे में देखा कि वो 8 वीक की बेबी है, पपी सा है, क्यूट सा है, और मिक्स्ड ब्रीड थी। उसके बारे में सब हिस्ट्री दिए। फिर हम लोग उसको देखने के बाद, वो इतना एक्टिव भी थी, पूरा सीधा हम लोग के पास आ गई। तो हम लोग सोचे इसी को भी एडॉप्ट करते हैं। तो हम लोग जब आए एडॉप्शन सेंटर से, वो देखने के बाद फ्रंट डेस्क में आके उसका पेमेंट दिए $500। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया है जो डॉग आपके नाम, आपका सब डिटेल वो मांगते हैं, कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है, सब होने के बाद और डॉग के बारे में क्या करना है, और सब आपको फीडबैक देते हैं। उसका वैक्सीनेशन के लिए हर वीक आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए $75 से $100 आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही 8 से 10 वीक आप जाओगे उसको डॉक्टर के पास, उसको ट्रेनिंग के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि पहले ह्यूमन सोसाइटी पहले 5 to 6 वीक और फ्री में देते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद आपको वो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब होने के बाद जब डॉग आपको मिल जाएगा, आप जाओगे वो पूरा एक लंबा लिस्ट देंगे जो डॉग के लिए क्या क्या चाहिए, वो आपको बाहर मार्केट से आप खरीदोगे। तो हम लोग भी डॉग को लेके आने के टाइम वही ह्यूमन सोसाइटी में एक छोटा सा शॉप है, उधर हम लोग टॉवल और उस छोटा सा फूड पैकेट खरीदे, और घर आने से पहले वो हम लोग को एक लंबा लिस्ट दिए कि ये आप जाने से पहले डॉग शॉप है उधर से आप ले सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताए कि डॉग को आपका DNA टेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए जे वो तो जर्मन शेफर्ड है लेकिन मिक्स ब्रीड है, तो कौन सा डॉग उसके मिक्स है
और जानने के लिए आपको डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा 300 से 400 डॉलर। ऐसे एक पैकेज होता है। फिर हम लोग जब आए डॉग को डॉग शॉप में, उसका पूरा लिस्ट था, उसका जो क्रेट लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा क्यूट सा बेबी था, इतना पॉपी की छोटा पॉपी कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी इंजोर्ड हो जाएगा, तो उसको क्रेट ट्रेनिंग दिया जाता है। तो क्रेट ट्रेनिंग के लिए उसका बेड है, गद्दी, मोटा सा एक गद्दी, उसका फूड, उसका शैम्पू, उसका ब्रश, उसका बेल्ट और नेल कटर, बहुत सारे चीज़ ऐसे। उसका पैकेज पूरा 1200 से लेके 1300 तक हुआ। वो आपको भी ध्यान में रखना है कि ये एक्सपेंसेस आपको करना पड़ेगा। फिर हम लोग कुत्ता को लाए। कुत्ता को लाने के बाद उसका सेकेंड फेज़ शुरू होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। जब वो कुत्ता आ जाएगा उसके बाद आपको सिटी को इन्फॉर्मेशन देना है जो मैंने कुत्ता को एडॉप्ट किया, तो कुत्ता को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए आपको 25 डॉलर दोगे। सेकेंड और एक चीज़ होता है आपको इंश्योरेंस, कुत्ता का इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, अदरवाइज ऐसे इंजर्ड हो जाएगा तो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। तो मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था जो हेल्थ इंश्योरेंस इतना कितना कॉस्टली होता है। मेरा जो हम लोग जो एडॉप्ट किए, कुछ महीने के बाद मेरा डॉग इंजर्ड हो गया, तो हम लोग को $5000 तक एक्सपेंसेस खुद बियर करना पड़ा। तो उसके लिए भी आप रेडी होना चाहिए जो इंश्योरेंस ले लीजिए। थर्ड होता है, अगर आप डीएनए टेस्ट करना चाहते हो तो अप्लाई करोगे तो आपको फॉर्म फिलअप के हिसाब से 300 से 350 तक वो खर्चा करना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ में आप जोगे उसका फूड, हर महीने उसको 50 से 60 डॉलर, उसका जितना बड़ा हो जाएगा उसी हिसाब से आपको बियर करना पड़ेगा। उसका फूड हर महीने कितना फूड खाएगी उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपको हर महीने का एक्सपेंसेस भी पता चल जाएगा जो फूड 50 से 60 डॉलर के हिसाब से हर महीना। उसके बाद होता है डॉग का टॉयज होता है। डॉग के जब आप रखोगे बैकयार्ड में, तो डॉग के लिए आपको एक डॉग हाउस बनाना पड़ेगा। डॉग हाउस के अलावा आपको फेंस को भी टाइट करना पड़ेगा, जो हम लोग भी किए 1000 डॉलर तक। इसके लिए भी एक्सपेंसेस आपको एक्स्ट्रा एक ध्यान में रखना पड़ेगा जो ये है डॉग के लिए एक्सपेंसेस। और उसके बाद आता है आप सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो डॉग को आप कहीं भी जाओगे तो कहाँ रखोगे। इसके लिए यहाँ बोर्डिंग का फैसिलिटी होता है, जो आप कहीं जाओगे तो डॉग को उसी के हिसाब से ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा कहाँ आप छोड़ोगे। पर डे के हिसाब से वो ले जाते हैं $50। तो आप सोचिए आप 10 दिन या 15 दिन कहीं भी जाओगे तो पर डे के हिसाब से वो भी आपको एक्सपेंसेस काउंट करके लिखना है जो ये मेरा डॉग है, क्योंकि वो तो घर का मेंबर जैसा है, आप तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे जो कहाँ छोड़ोगे। तो उसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है, एक पूरा पेपर में आप पेपर वर्क कर लेना जो क्या क्या एक्सपेंसेस उसके लिए है। हर महीने उसको पार्लर भी लेना पड़ेगा क्योंकि जो बहुत सारे ब्रीड का है उनका हेयर कटिंग करना पड़ता है, नेल कटिंग करना पड़ता है, उसको बाथिंग के लिए, ऐसे लिए उसी लिए भी 50 से 60 डॉलर आपको हर महीना खर्चा करना पड़ेगा। ये रहा एक डॉग का। तो इसीलिए मैंने बोला कि डॉग एडॉप्ट करने से पहले आप पूरा रिसर्च करिए, थिंक, पूरा माइंड मेकअप कीजिए, प्लान कीजिए, उसके बाद आप डॉग को एडॉप्ट कीजिए। और वंस आप एडॉप्ट कर लेंगे तो घर का मेंबर जैसा हो जाते हैं। जैसे मैंने एडॉप्ट किया, अभी मेरे पास जो पपी है 1 साल की हो गया है अलेक्सा, मैं उसका वीडियो एक पोस्ट किया था, आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो जे ये वीडियो आपको कुछ काम में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मंजरिका मिश्र, माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। ओके, बाय बाय।